नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी के पहले चरण में नगर निगम के लिए तय किए गए प्रत्याशी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं दूसरे चरण के लिए बीजेपी आज दूसरे चरण के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करेगी। बताया जा रहा है कि यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली दौरे पर गए हैं, जहाँ उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक कर दूसरे चरण के निकाय चुनाव में प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल की। तो दूसरी ओर कल से नगर निकाय चुनाव को लेकर दिग्गज जमकर प्रचार करेंगे। वहीं आपको बता दें कि सीएम योगी कल सहारनपुर से चुनावी बिगुल फूकेंगे। बता दें चुनावी रण में सभी पार्टी सभी दल उतर चुके हैं। निकाय चुनाव में महज कुछ ही वक्त रह गया है, जिसको देखते हुए सभी पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। बता दें भारतीय जनता पार्टी के पहले चरण में नगर निगम के लिए तय किए गए प्रत्याशी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं दूसरे चरण के लिए बीजेपी आज दूसरे चरण के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करेगी। बताया जा रहा है कि यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक कर दूसरे चरण के निकाय चुनाव में प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल की है। तो दूसरी ओर कल से नगर निकाय चुनाव को लेकर दिग्गज जमकर प्रचार करेंगे, जिसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। और इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, भाजपा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट आज जारी करेगी, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी मयूरी, आपको बता दें कि नगर निकाय के फेज टू के प्रत्याशियों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी आज देर शाम तक कर सकती है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी दिल्ली दरबार पहुंचे हुए थे, जहां टिकटों को लेकर मंथन हुआ और आखिरी मुहर लग चुकी है। अब बात करें तो देर शाम तक दूसरे फेज को लेकर नामों का ऐलान किया जाएगा। आपको बताएं कि कल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने प्रचार अभियान की शुभारंभ कर रहे हैं। सहारनपुर से प्रचार अभियान की शुभारंभ करेंगे, उसके ठीक देर शाम माना जा रहा है कि प्रत्याशियों के ऐलान के बाद जो भी नेतागण हैं, या केंद्र के हों या उत्तर प्रदेश के कैबिनेट के हों, उनकी प्रचार की जो जिम्मेदारियां हैं वो भी आज देर शाम तक सौंपी जाएंगी। आपको बताएं कि पहले फेज को लेकर जहां सभी राजनीतिक दल अपने स्तर से पुरजोर मेहनत करके और इस चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए हर एक मुमकिन प्रयास कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अब फेज टू के इलेक्शन को लेकर प्रत्याशियों का ऐलान करेगी। साफ तौर से अगर देखा जाए तो इन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं महिलाओं को और साथ ही साथ ओबीसी एससी वर्ग को तवज्जो देते हुए टिकटों का बंटवारा किया जाएगा, क्योंकि इस चुनाव को लोकसभा के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जहां फेज वन में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार सभी प्रत्याशियों का ऐलान किया गया एकाएक, उसके ठीक बाद अगर बात करें तो बीजेपी में हाल फिलहाल में फेज टू को लेकर कई बैठकें हुई हैं। अगर कल बात करें तो बीजेपी के अंदर में एक अहम बैठक हुई और इस बैठक में तय किया गया कि जो भी मंडल के प्रभारी हैं उनके विचार को जाना गया कि फेज टू में किन प्रत्याशियों के नामों के आगे मुहर लगते हुए नजर आएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब देर शाम टिकटों के नामों का ऐलान होगा तो किन वर्ग को बीजेपी साधने का प्रयास करेगी। विवांशु, चुनाव को लेकर दिग्गज जमकर प्रचार करेंगे, वहीं सीएम योगी कल सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे, उनके क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? जी मयूरी, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अपने प्रचार अभियान का सहारनपुर से शुभारंभ करेंगे। साफ तौर से कहीं ना कहीं बीजेपी पश्चिम क्षेत्र बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक लकी साबित हुई है, भाग्यशाली साबित हुई है। 2014 के ही चुनाव से अगर देखें तो ठीक वैसे ही निकाय चुनाव भी प्रचार अभियान की शुभारंभ पश्चिम से किया जा रहा है। वही पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती कहीं ना कहीं है, क्योंकि हाल फिलहाल में देखें तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, आरएलडी चीफ जयंत चौधरी, वहीं आजाद समाज पार्टी के अगुवा चंद्रशेखर की एक जो तिकड़ी है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती का विषय बना हुआ है पश्चिम में। अब देखने वाली बात यह हुई कि अपने प्रचार अभियान की शुरुआत बीजेपी पश्चिम से कर रही है और चुनाव के नतीजों के बाद ये साफ हो पाएगा कि बीजेपी अपने मंसूबों में कितना काबिल हो पाई है, काबिज का हो पाई है। वहीं अगर बात करें
तो जहां एक तरफ पश्चिम को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी मेरठ से अपने चुनावी सफर का शुभारंभ करेंगे, चुनावी अभियान का शुभारंभ करेंगे, तो वहीं आपको बताएं कि कल सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। वहीं आपको बताएं कि दूसरे उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक को गाजियाबाद क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस चुनाव में जहां केंद्र सरकार के कई मंत्री, साथ ही साथ कैबिनेट के कई मंत्री और संगठन के उच्च पदाधिकारी जमीन पर उतर कर और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नीतियां हैं, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, इनको जन जन तक पहुंचाकर और निकाय चुनाव को अपने पाले में करने के लिए हर एक मुमकिन प्रयास करेंगे। जी विवांशु, भाजपा आज उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी करेगी, तो क्या लगता है इस लिस्ट में क्या कुछ अहम हो सकता है? जी साफ तौर से अगर देखा जाए तो जो हाल फिलहाल में मीटिंग्स हुई हैं बीजेपी की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और साथ ही साथ संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह समेत तमाम उच्च पदाधिकारी बीजेपी के मौजूद रहे, इसमें देखा जाए तो ओबीसी वर्ग और महिलाओं पर दाव खेलने को लेकर चर्चा हुई है। अगर बात करें तो 30% सीटों पर कहीं ना कहीं महिलाओं को उतारने को लेकर, महिला प्रत्याशी को उतारने को लेकर चर्चा हुई। अब देखने वाली बात यह होगी कि अब आज देर शाम माना जा रहा है कि दूसरे फेज के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होगा, तो किन मुद्दों को तवज्जो रखा जाएगा और साथ ही किन वर्ग को साधने की तैयारी होगी, ये नामों के ऐलान के बाद साफ हो पाएगा। मगर प्रमुखता से बीजेपी कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग और एससी वर्ग, साथ ही साथ महिलाओं को प्रत्याशी बनाने के लिए पूरी तरह से बात करती हुई नजर आई है। और आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में इस बार 17 निकाय नगर निगम की सीटें हैं, एक सीटों का इजाफा हुआ है। शाहजहांपुर में पहली दफा चुनाव हो रहा है नगर निगम का, तो कहीं ना कहीं ये भी सीट बीजेपी के लिए एक चुनौती होगी, क्योंकि इस सीट पर लोधी और मुस्लिम वर्ग बाहुल्य क्षेत्र है। और देखने वाली बात यह होगी कि पहली बार हो रहे शाहजहांपुर के इस चुनाव में किसका पलवाबारी होता है और सियासी ऊंट किधर करवट लेता है, वो चुनावी नतीजों के बाद साफ हो पाएगा। जी धन्यवाद विवांशु हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। बता दें भाजपा आज दूसरे चरण के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी। निकाय चुनाव का रण है, जिसको देखते हुए बीजेपी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज दौरे पर हैं। इस दौरान वो फूलपुर सांसद केसरी देवी पटेल और बीजेपी के महापौर पद के आवेदकों के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा गणेश केसरवानी को जितवाने के लिए भी रणनीति बनाई जाएगी। नेता राकेश शुक्ला के आवास पर प्रेस वार्ता होगी, वो उमेश पाल के आवास पर भी जाएंगे। डिप्टी सीएम दिवंगत उमेश पाल के चित्र पर पुष्प अर्पित करेंगे, साथ ही कई अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होने की संभावना बताई जा रही है। बता दें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज के दौरे पर हैं, वहीं सांसद केसरी देवी पटेल के साथ वो आज बैठक करेंगे और इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज के दौरे पर हैं, आज उनका क्या कुछ पूरा शेड्यूल है? देखिए मरिया, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज प्रयागराज के दौरे पे होंगे और इस दौरे पे जिस प्रकार से महापौर पद के लिए प्रत्याशी गणेश केसरवानी को चुना गया है, उनके लिए रणनीति बनाई जाएगी कि किस प्रकार से उनको जो है इस प्रयागराज की सीट से जिताया जाए। इसके पहले महापौर जो है वो नंदगोपाल नंदी, जो औद्योगिक मंत्री हैं, उनकी पत्नी अभिलाषा नंदी रही थी, लेकिन इस बार जो है उनका टिकट काट दिया गया है। और कहीं ना कहीं ये प्रथा जो है नंदगोपाल नंदी के मन में भी होगी कि मैं आपको बता दूं, गणेश केसरवानी वो है जो कभी राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो है नंदगोपाल नंदी के रह चुके हैं, उनको जो है इस बार टिकट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक प्रथा भी जो है वो नंदगोपाल नंदी के मन के अंदर भी रही होगी, किस प्रकार से उनको, उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी को जो है भारतीय जनता पार्टी टिकट देकर एक संकल्प लिया है कि प्रयागराज की महापौर की सीट से उनको जिताया जाएगा। अगर बात करें तो डिप्टी सीएम
इसके अलावा जो फूलपुर के सांसद है उनके साथ जाके एक बैठक भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता राकेश पाल के आवास पे एक प्रेस वार्ता होगी जिसमें सभी रणनीतियों के बारे में मीडिया कर्मियों से चर्चा होगी, बातचीत की जाएगी। इसके अलावा उमेश पाल के पुष्प उमेश पाल के चित्र पर पुष्प अर्पित किया जाएगा। उमेश पाल के घर भी जाएंगे, परिजनों का कुशलक्षेम पूछेंगे। जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, माफिया मुक्त अपराध मुक्त भय मुक्त वातावरण की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, तो उमेश पाल के घर पे जाएंगे, वहाँ पुष्प जो है उनकी उनके फोटो पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करेंगे और तमाम कई कार्यक्रम भी होंगे जिसमें डिप्टी सीएम शामिल होंगे। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से निकाय चुनाव जो है देखा जा रहा है, आने वाले लोकसभा के लिए एक सेमीफाइनल का मुकाबला माना जा रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियां जो है अपनी जोर आजमाइश कर रही हैं और जितने भी कयासे लगाए जा रहे हैं वो इस निकाय चुनाव से दूर होने वाले, क्योंकि आने वाले समय में 10 महीने का समय शेष बचा है लोकसभा के लिए, तो सभी जोर आजमाइश और जितने भी प्रयोग अनुप्रयोग हैं सभी राजनीतिक पार्टी इसी निकाय चुनाव में करने वाली है ताकि उनको अपनी स्थिति का पता लग सके, जनता के मन का पता लग सके, जनता का मन टोल पाए। विवेक, डिप्टी सीएम वकील व्यापारी व डॉक्टरों के संग बैठक करेंगे, क्या कुछ रणनीति बना सकते हैं? देखिए, हर वर्ग को लेकर चलने की जो बात भारतीय जनता पार्टी करती है उसी के संदर्भ में जो वकील हैं, जो व्यापारी हैं, जो डॉक्टर हैं, यानी जितना भी बुद्धिजीवी समाज है, बुद्धिजीवी वर्ग है, उसको साधने की कोशिश डिप्टी सीएम यहाँ पे करने वाले हैं अपने प्रयागराज के दौरे पे। और महापौर पद के प्रत्याशी के लिए गणेश केसरवानी को भारतीय जनता पार्टी ने चुना है, उन पे विश्वास जिताया है, तो उनको जिताने के लिए जो रणनीति बनाई जाएगी, तमाम बैठकें जो आज हो रही हैं, जो भी रणनीति बनाई जा रही है उनको जिताने के लिए, उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा भारतीय जनता पार्टी का और डिप्टी सीएम का अपने इस दौरे पे। विवेक, डिप्टी सीएम के साथ और कौन लोग मौजूद हैं? देखिए, डिप्टी सीएम के साथ मैं आपको बता दूं कि फूलपुर से सांसद जो हैं केशवदेव पटेल मौजूद रहेंगे, कभी फूलपुर से खुद ही ये चुन के आते थे। उसके बाद अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं और वो भी वहाँ पे मौजूद रहेंगे, जिनके आवास पे प्रेस वार्ता होनी वाला राकेश शुक्ला वो भी वहाँ पे मौजूद रहेंगे और साथ में गणेश केसवानी जो महापौर पद के प्रयागराज के प्रत्याशी है वो भी मौजूद रहेंगे और तमाम जो स्थानीय नेता है, जो कार्यकर्ता है, भारी संख्या में जुटेंगे और डिप्टी सीएम के अलावा जो गणेश केसवानी है उनका उत्साहवर्धन करेंगे, क्योंकि इस बार जो है टिकट जो मिला है अभिलाषा नंदी को काट के, गणेश केसवानी ये राजनीतिक प्रतिद्वंदी माने जाते हैं नंद गोपाल नंदी इस समय औद्योगिक मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, और कहीं ना कहीं एक व्यथा भी उनके अंदर देखने को जरूर मिलेगी जिस प्रकार से उनकी पत्नी का टिकट काट के उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी को दिया गया है, तो एक नया मोड भी इसमें देखने को मिल सकता है कि क्या नंदी सपोर्ट करेंगे, किस प्रकार से वो जो है अपना सहयोग करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। जी, धन्यवाद विवेक हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज के दौरे पर हैं, जहां वो आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बड़ी खबर बुलंदशहर से है, जहां पर कोल्ड स्टोर में लोडिंग के दौरान 2-3 मजदूर स्टोर के अंदर फंस गए। स्टोर में गाजर का स्टोरेज किया जा रहा था। डीएम एमएसपी समेत जनपद के तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। सूचना के बाद स्थानीय विधायक लक्ष्मीराज सिंह मौके पर पहुंचे। दरअसल रेस्क्यू के अभी भी जारी है। आपको बता दें कि रेस्क्यू के दौरान कोल्ड स्टोर का एक हिस्सा फिर से गिर गया, जिसमें फायर कर्मी घायल हो गए। कोल्ड स्टोर के पास खड़े ट्रैक्टर पर कोल्ड स्टोर का मलबा गिर गया था, जिसमें ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त हो गया। राहत बचाव कार में ट्रैक्टर चालक एनडीआरएफ और पुलिस की टीम ने भागकर जान बचाई है। कल रात में सिकंदराबाद में कोल्ड स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज, और उसमें एक घटना घटित हो गई है। उसकी बिल्डिंग जो है उसमें कुछ अंश उसका गिर गया है, और जो अंदर स्ट्रक्चर बना हुआ था स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, और उसमें काम करने वाले 3 मजदूर अंदर जो है दब गए हैं। एक मजदूर से लगातार हम लोग बात भी करें, उसकी आवाज़ सुनाई पड़ रही है, और राहत बचाव कार्य तत्काल रात से ही हम लोगों ने प्रारंभ करा दिया था। एनडीआरएफ की टीम और जिला प्रशासन की पूरी टीम, पुलिस की टीम लगी हुई है, हम लोग राहत बचाव कार्य कर रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज के वाल के रूप में जो फोम और सीट लगी हुई थी उसका एक पोर्शन टूट करके अभी गिर गया था,
जिसकी वजह से राहत बचाव कार्य कुछ समय के लिए स्थगित हो गया था, अभी उसको हटवा करके दोबारा राहत बचाव कार्य स्टार्ट करा दिया गया। और इस खबर पर हमारे संवाददाता इकराम हमसे जुड़ चुके हैं। इकराम, बुलंदशहर में बड़ा हादसा हुआ है जहां कोल्ड स्टोर में लोडिंग के दौरान 2-3 मजदूर स्टोर में दब गए हैं, क्या कुछ पूरा मामला है, ये कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ? जी मैम, मैं आपको बता दूं, बुलंदशहर के चोला थाना क्षेत्र का ये मामला है। इक्कीस के दौरान कोल्ड स्टोर का फिर एक हिस्सा गिरा है। कोल्ड स्टोर के पास खड़े ट्रैक्टर पर गिरा कोल्ड स्टोर का मलबा, जिसमें ट्रैक्टर चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। ये आपको बता दूं, बचाव कार्यालय में लगी एनटीआरएफ की और पुलिस की टीम ने भागकर बचाई जान। अंदर फंसे दिनेश और हरिचंद और गौरव को बाहर निकालने का रिक्स कर रही है एनडीआरएफ की टीम। सिकंदराबाद रोड पर कोल्ड स्टोर पर ये मामला है। जी इकराम, जो 2-3 मजदूरों के फंसे होने की जानकारी सामने आ रही है, क्या उनको निकाल लिया गया है या अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है? जी जी, अभी भी ऑपरेशन जारी है और दूसरी उससे संपर्क हो पा रहा है, जो अंदर है उससे संपर्क हुआ है, बात हो रही है, अब भी टीम मौके पर लग रही है। जी धन्यवाद इकराम हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।